अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी दुनिया को, अपनी बाहर की दुनिया को सेव करें, सेव द वर्ल्ड। ये हमारा आज टॉपिक है। सेव द वर्ल्ड टॉपिक से क्या मुराद है, उसमें उसको वो इन्वेंट कैसे हुआ, उससे हमारी जिंदगी के साथ क्या कनेक्शन है, हमें क्यों सेव द वर्ल्ड के बारे में सोचना चाहिए, सेव द वर्ल्ड से हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेन है, जिससे हमारे लिए आसानी होगी, वो ये है कि सेव द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट, एक ये थ्योरी पेश की गई, एक ये एक्सपेरिमेंट, फर्दर अभी एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे पता ये चलता है कि जब आप बाहर के बारे में सोचेंगे तो आप अपने हॉल से अपनी मुश्किलात, हर्डल्स, फोकस, कंसंट्रेशन, जिस आप जो भी किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में फंसे हुए हैं, उससे आप निकल जाएंगे, या अगर आपकी लाइफ कहीं स्टिल हुई हुई है, आप उससे बाहर आ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अपने पहले तो हॉल से बाहर निकलेंगे, और उससे होगा ये कि आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, आपके काम की स्पीड, आपके सोचने की स्पीड, आपके तमाम तरह जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड आपकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि हम किस तरह सेव द वर्ल्ड, ये जो एक थ्योरी पेश की गई है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसको किस तरह लागू करेंगे आप। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। जी हाँ, अपने आप से कैसे शुरू करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। किस पे कंट्रोल? अपनी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिव न्यूज आ रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे जितनी भी नेगेटिव न्यूज है उसे कंट्रोल कर लेते हैं, उसे नहीं सुनते, उसकी जगह पॉजिटिव चीजें सुनने शुरू करते हैं, तो वहां से वो हमारा पहला कदम होता है, वो हमारा पहला कदम होता है अपनी तमाम हर्डल्स से निकलने का। उससे अगला ये होता है कि कनेक्ट और कंट्रोल। कंट्रोल आपने करना है नेगेटिव पीपल पे, नेगेटिव नंबर ऑफ पीपल पे, नेगेटिव नंबर ऑफ पीपल। कुछ चंद नेगेटिव लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं, जिनसे आपकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, या वो आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, आपके अपने मकसद में आपको बढ़ने नहीं देते, तो इसलिए आपको नेगेटिव लोगों की तलाश करनी है, नेगेटिव लोगों की। उससे आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, वो जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं, जिन्हें हमें सिर्फ लर्न करना होता है। इससे अगले पॉइंट में हम चलते हैं, वो ये कहता है कि आपने अपने एक म्यूजिक, एक धुन, एक सुर आपने अपनी रूह के लिए मुकरर कर देना है। एक ऐसी म्यूजिक आपने रखना है जिससे आपको जब आप परेशान हो, जब आपको मुश्किल, मायूसी महसूस हो, जो पहला मुश्किलात का पहला कदम है वो मायूसी का होता है, मायूसी आपके पास पहले आती है, तो उसके लिए आपको एक म्यूजिक रखना है। एक म्यूजिक से मुराद वो जो आपकी रूह को पॉजिटिविटी दे सके, आपकी रूह को पॉलिश कर दे। इससे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपकी आपको लिव कॉन्शियसली, आपको एक अपनी जिंदगी से प्यार करना पड़ेगा। जिंदगी से प्यार कैसे करें हम, आपको अपना अच्छा फूड और जो भी आपको दिया है बिन मांगे या आपने मांग के लिया है, आपको उसका शुक्र अदा करना पड़ेगा। जैसे ही आप शुक्र अदा करेंगे तो आपका जो रास्ता है, जो मकसद है, वो खुलता जाएगा। इस अगले पॉइंट में आते हैं कि कैसे हम शुक्र अदा करें, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड कैसे हम करें। तो उसका आसान सा हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें दूसरों की मदद करनी है कि कोई भी मददगार हमें, हम देखें, हमें उसकी मदद करनी है, जिससे हमारे पास नई से नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, उससे हमारे मकसद पे, हमारे ड्रीम पे पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस अगले पॉइंट में हम आते हैं, हमें अगला पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने इन लोगों से कनेक्शन के बाद, इन सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद, अगर आप अपने प्रे में नहीं आते, आप अपने गॉड के साथ अपना कनेक्शन मजबूत नहीं रहते, तो ये सब चीजें फीकी पड़ जाएंगी, इनसे असर नहीं होगा, और इनसे असर नहीं होगा तो आप सेव द वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट में नाकाम हो जाएंगे, और अपनी तलाश में जो
जो आपकी अपनी तलाश है उसमें भी आप पीछे हो जाएंगे। अपनी तलाश का हर किस मतलब ये नहीं है कि हम किसी नौकरी में हैं, हम कोई कारोबार कर रहे हैं। अपनी तलाश इससे भी आगे की होती है कि खुद की तलाश करना। और इससे अगले स्टेप में हम जाते हैं कि हमने गॉड के साथ अपना रिश्ता जोड़ दिया, उसके बाद हमें पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है। जब हम पॉजिटिव बुक्स को पढ़ते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होती है, और जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो हमारी विल पावर की ट्रेनिंग होती है, हमारा सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग होती है। इससे अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जब हमने बुक रीड्स कर ली उसके बाद हमें हग करना सीखना चाहिए। हमें अपने से कमजोर लोगों को, जिन जो हमसे कमजोर होते हैं उनको जब हम हग करना शुरू करते हैं, गले मिलते हैं, प्यार से गले मिलते हैं, तो यकीनन हमारी तमाम तर मुश्किलात दूर हो जाती हैं। हमें खुशी का एहसास, हमारी जिंदगी का मकसद खुशी है जो हमें मिलना शुरू हो जाती है। उससे आगे हमें मूव आउट जब हम करते हैं, हमें एक आखिरी दो रूल रह गए जो मैं आपसे शेयर करूंगा। हमें जब हम पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, जब हम इन सब रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन हमारे इन तमाम रूल्स को फॉलो करने में हमें एक चीज से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जब हम अपने बारे में सोचेंगे, जब अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपने मेडिटेट करेंगे अपने बारे में, तो हमें मोबाइल से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जो चीज हमें महसूस होता है कि इस चीज का मैं गुलाम बन गया, उस चीज को आपने डिस्कनेक्ट कर देना अपने आप से। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपका कनेक्शन पॉजिटिविटी के साथ जुड़ जाएगा, आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। और इससे आखिरी जो पॉइंट है हमारा सेव द वर्ल्ड का, जिससे हम अपने होल से बाहर आ सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, उसका आखिरी और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपको इन सारे पॉइंट्स को सिर्फ लर्न करना है। और जब आप इनको लर्न कर लेते हैं तो आपने सिर्फ एक एक्शन लेना है। जब आप एक्शन लेंगे, जैसे ही आपने एक्शन लिया, किसका एक्शन लिया, जो भी आपका डिजायर है, गोल है, ड्रीम है, खुद की तलाश है, खुद का मकसद है, अपना खौफ है, डर है, जब आपने एक्शन ले लिया तो यकीनन आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती और आप सेव द वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।